तो यहाँ पे एक बार अनदर फिर से डवफिस्ट का एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है हमारे पोको के F6 डिवाइस के लिए, जो कि लास्ट टाइम भी आया था और मैंने कहा था कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितने कि पहले देखने को मिलता था, थोड़ी बहुत कमी फील हुई है। बट क्या वो सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ कुछ नए UI मुझे देखने को मिले हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जब आप इसे यूज़ करोगे, तो ताकि आप देख पाओ कि आपके साथ भी वो चीज़ें हो रही है या फिर नहीं। इसलिए लास्ट तक ज़रूर वॉच करना, क्योंकि ये इकलौता ऐसा रोम है जो कि पोको F6 के लिए काफ़ी नंबर वन की कैटेगरी में शामिल होता है। एक आपका है जो प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X है, वो भी काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। अगर आपको ये वॉलपेपर चाहिए जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो ये दोनों वॉलपेपर मैं डाउनलोड लिंक के साथ ऐड कर दूंगा ताकि आपको फाइंड करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि अक्सर आप लोग कमेंट करते हैं जो वीडियो में यूज किया है वो लिंक दो मिल नहीं रहा, तो ये इजी रहेगा आपके लिए। रही बात इसके अबाउट सेशन की, तो आपको देखने को मिल जाता है ये लेटेस्ट अपडेटेड जो कि QPR 2 का है, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड वर्जन 15.2 का। यहाँ पे इसका खुद का वर्जन है, 1 जून का अपडेट है, वेंडर 1 अप्रैल का है। यहाँ पे कर्नल आप देख सकते हो 7 का बिल्ड डेट आपको देखने को मिलता है। सिलेक्स आपको इन्फोर्सिंग देखने को मिलेगा जो कि अच्छी बात है। सिक्योरिटी पैच वगैरह आपका अपडेट यहाँ पे हो चुका है। बाकी बैक की बात है तो आपको मिलता है सिस्टम, जहाँ पे आपको नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाता है, सेम वही सारे ऑप्शन है जो कि पहले भी आपने यूज कर रखा है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है ये गैपिंग, जो कि कुछ लोगों ने कहा कि मुझे गैप देखने को नहीं मिल रहा, तो भाई क्या पता रेंडम हो, किसी को मिल रहा हो किसी को नहीं मिल रहा, तो ये छोड़ो इसे इग्नोर मारो। ओके, बाकी यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी, जहाँ पे छोटा सा चेंज आया है। ये टर्बो चार्जिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, बट स्टिल मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो फास्ट एक्यूरेट 90 वॉट के हिसाब से चार्जिंग स्पीड मिलनी चाहिए थी वो स्टिल मुझे देखने को नहीं मिली है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे 16 मिनट में 41% गया है और बाकी यहाँ पे और कोई है नहीं। तो ये सही है, काफ़ी इम्प्रूवड है, बट थोड़ा सा और इम्प्रूव होना चाहिए, शायद 5% 10% के आसपास। लेकिन यहाँ पे पहले से पिछले वाले अपडेट के कंपैरिजन में चार्जिंग में इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है ये हमारा पावर टूल, जहाँ से आप अपने परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हो। और सिंगल सिंगल एप्लीकेशन का आप चेंज करना चाहते हो तो इसे ऑन कर लो, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, आपको देखने को मिलेगा। और ये सेव प्रोफाइल और रिसेट प्रोफाइल का एक नया ऑप्शन है, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो एप्लीकेशन को, और यहाँ से आपको सिर्फ बैलेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस और बैटरी सेविंग के ऑप्शन मिलते हैं। जबकि पहले ये जब अलग था तो वहाँ पे कई सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलते थे। तो ये UI चेंज हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी कमी आई है, बाकी देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो ये थोड़ा सा बदलाव आपको नज़र आता है, इसे जैसे ऑफ करोगे यहाँ पे ये चीज़ एक्टिव हो जाएगी। और जितने भी मैंने टेस्ट रिजल्ट किए हैं वो मेरा गेम बूस्ट पे रहा है और साथ साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस पे भी रख के मैंने चेक किया है, तो जो रिजल्ट दिखाऊंगा वो उसी तरीके से होगा। बाकी ब्लॉक सेंसर, चार्जिंग के ऑप्शन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, बैटरी सेविंग में आपको स्टैंडर्ड और स्ट्रीम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है गेम स्पेस वगैरह, जो कि लेटेस्ट वाला यूज किया गया है V6 का। साथ साथ यहाँ पे आपको जो साइड बार देखने को मिल जाएगा, गेम बार भी V6 वाला यहाँ पे यूज करा गया है, जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती, जो कि अच्छी बात है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिक्योरिटी, और यहाँ पे एक चीज़ आपको कर लेनी है सेटिंग, जो कि अदरवाइज आपको भी मेरे से जैसा प्रॉब्लम आएगा, वो है यहाँ पे इंस्टेंट लॉक का टाइमिंग, जो कि पहले से ही आपका 5 सेकेंड पे रहता है कुछ इस तरीके से। तो इसे आप यहाँ पे इंस्टेंट पे सेट कर देना, ताकि जब भी आप यहाँ पे लॉक करो आपका डिस्प्ले लॉक हो सके। अदरवाइज एक चीज़ है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी और उसके बाद ये ठीक हुई, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ चेंज कर लेना। बाकी फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह आपका वर्किंग रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वही जैसे कि पैनिक वगैरह के ऑप्शन, डिवाइस इंक्रिप्शन वगैरह, जो कि सही है। यहाँ पे मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है, साउंड के प्रोफाइल में यहाँ पे डॉल्बी दिया गया है, बट इसके अलावा एक और यहाँ पे ऑप्शन ऐड हुआ है जो कि पूरा का पूरा कार्बन कॉपी लग रहा है वाइपर फॉर एंड्रॉयड जो आता था ना, सेम उसी का, मे बी उसी का नाम चेंज हुआ होगा। मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, बस देखा है और अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन जो सेटिंग आपको मिलते हैं ना, वो सारी चीज़ें वाइपर फॉर एंड्रॉयड वाले ही देखने को मिल रही है, जो कि एक नए लुक, नया अवतार में यहाँ पे नजर आता है, जहाँ पे इस तरीके से इसे आप ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसके सेटिंग्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अलग अलग थीम भी दिया गया है, यानी थीम का अच्छा खासा कैटेगरी यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मुझे यहाँ पे लगा है। बाकी यहाँ पे डिवाइस का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह का भी है, बैकअप भी कर सकते हो सेटिंग को, और यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही है, बट आपको इसे अगर यूज करना आता है ना, तो आप साउंड के अंदर एक बेहतरीन आउटपुट निकाल सकते हो,
लेकिन यहाँ पे जो सेटिंग है उसे आपको पहले समझना होगा। इसके कई सारे प्रोफाइल वगैरह भी आते हैं जो कि आप डायरेक्ट प्रोफाइल को इंपोर्ट करके साउंड में चेंज कर सकते हो। मुझे एक बेहतरीन सा ऑप्शन देखने को मिला जो कि मुझे लगता है कि हर डिवाइस ओएस के अंदर होना चाहिए, मजा आ जाएगा। बाकी यहाँ पे वही बेसिक से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह है, नोटिफिकेशन कूल डाउन के ऑप्शन आपको मिल जाता है, और वॉलपेपर स्टाइल के अंदर एक चीज़ है जो कि मुझे मिसिंग लगी। जैसे कि आप अभी देखो कि हमारा जो लॉक का वॉलपेपर है और इसका जो क्लॉक फॉर्मेट है अभी फिलहाल डिफॉल्ट है, लेकिन इसके पहले ये थोड़ा चेंज था क्योंकि यहाँ पे एक फॉन्ट का ऑप्शन मुझे देखने को मिला था, उससे मैंने यहाँ पे फॉन्ट को चेंज करा और जैसे ही फॉन्ट चेंज किया उसके बाद मेरा जो फिंगरप्रिंट का एनिमेशन है ये काम करना बंद कर दिया चेंज करने के बाद, और साथ ही मेरा स्क्रीन लॉक ही नहीं हो रहा था। जब भी मैं लॉक करके अनलॉक करूँ तो बार बार यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट अनलॉक हो रहा था, यानी स्क्रीन लॉक लग नहीं रहा था। ये चीज़ कैसे ठीक हुआ, लॉक स्क्रीन में जाके जो 5 सेकंड को मैंने इंस्टेंट पे सेट किया ना उसके वजह से, इसलिए मैंने कहा था कि उसे ऑन कर लेना, सेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मुझे मिसिंग मिली और ये चीज़ आप चेक करना कि यहाँ पे आपको एक फॉन्ट का ऑप्शन नज़र आता है या नहीं, जिससे मैंने फॉन्ट चेंज किया था लेकिन उसके बाद ये फॉन्ट का ऑप्शन ही गायब हो गया और कुछ देर तक फॉन्ट चेंजिंग नज़र आया लॉक स्क्रीन पे ऑनली ऑन, उसके बाद वो भी गायब हो गया। आई थिंक मेरे पास स्क्रीन शॉट होगा, नहीं है स्क्रीन शॉट नहीं है भाई, गायब हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे एक थोड़ी सी कमी लगी है इस अपडेट के अंदर जो कि आप चेक करना और बताना मुझे। अगर डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे वही सारे बेसिक से ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि सारे चीज़ यहाँ पे वर्किंग है, और अगर हम यहाँ पे बात करें पर ऐप प्रोफाइल की तो यहाँ पे भी सेम UI आ चुका है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बैटरी के अंदर शो किया था, और यहाँ पे आप देखो 60, 120, 60, 90 और 90, यहाँ पे 90 लैंडस्केप के लिए और 90 लैंडस्केप के लिए, ये सारे आपका है जो नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड के लिए है। तो इस तरीके से नए ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं और यहाँ पे जो UI है ये आपका चेंज हो चुका है। बाकी हाई ब्राइटनेस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, टच कंट्रोल आप बूस्ट कर सकते हो, यहाँ पे सैचुरेशन का ऑप्शन है, पर ऐप का आपको दिख ही जाता है तो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अब रही बात इसके ह्यूज कस्टमाइजेशन की जो कि पहले बहुत ज़्यादा था अब तो कम हो गया, तो इसे आप ऑफ कर लेना क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिर्फ उसे बेसिक वाला ही पास रहता है, और इसे ऑफ करके आपको जो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा रूट वाला जो कि होगा हमारा लेटेस्ट, मैंने वन डे पहले एक वीडियो दिया है सेफ्टी नेट पास करने का, उसे आप फॉलो कर लेना, और जैसे उसे आप फॉलो कर लेते हो ना आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है और आपका डिवाइस जो सर्टिफाइड हो जाएगा और आपका जो रूट वाला जो यहाँ पे है ये भी ऐड हो जाएगा सूफ वगैरह। तो अगर आप चाहते हो कि बैंकिंग ऐप यूज कर पाओ, बाकी चीज़ें कर पाओ, कोई दिक्कत ना आए तो आप इसे फिक्स कर लेना, उसके बाद आपका तीनों पास हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग पे आपको ये पास नहीं देखने को मिलता सिवाय बेसिक के, और अगर आप ये सेटिंग ऑन कर देते हो ना जो कि हमारा ये वाला रहा तो तीनों का तीनों आपका फेल हो जाएगा, कोई भी पास शो नहीं करेगा, तो ये आपको मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा जो कि भाई करना चाहो तो कर लेना। बाकी यहाँ पे जितने भी सेटिंग दिए गए हैं वो सारे आपके काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लॉक स्क्रीन में वही एज लाइट अनलॉक एनिमेशन वगैरह आपको मिल जाएगा, बटन के अंदर यहाँ पे आपको वही सारे बेसिक से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर भी सेम है, क्विक सेटिंग के अंदर भी डेटा यूजेज इमेज वगैरह का, ब्राइटनेस स्लाइडर वगैरह का, और यहाँ पे कूल डाउन, AM/PM, बैटरी, बाकी सब कुछ सिमिलर ही रहता है। तो ये टोटल कस्टमाइजेशन निकल के आता है इसका, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज लगी और मैंने आपको यहाँ पे बताया भी। बाकी लॉन्चर में वही सारे सिमिलर कस्टमाइजेशन है जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट कैमरा जो देखने को मिलता है वो है लाइका वाला कैमरा जो कि हाइपरोस कैमरा भी आप यहाँ पे कह सकते हो, BCR दिया गया है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए जो कि अच्छी बात है। और रही बात टेस्ट रिजल्ट क्या कुछ आता है तो इसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको इतने ही सिस्टम के ऐप मिलते हैं, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल लेना, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डिवाइस भी सर्टिफाइड हो जाएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फिक्स नहीं रहता है, कैमरा वगैरह हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक मिल जाता है जो कि एक्सट्रीम प्लस और अल्ट्रा एक्सट्रीम का है जो कि BGMI से रिलेटेड है जो कि अच्छी बात है। वहीं पर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 68 के बाद मॉर्निंग में आता है 65 जो कि यहाँ पर स्टैंड बाई में ओनली 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, 7 hours 48 minutes का टाइमिंग है स्टैंड बाई का जो कि काफ़ी अच्छा और एक्यूरेट मैं यहाँ पे कहूँगा। नॉर्मल CPU टोटल बेकार सा रहता है, बट जैसे मैं यहाँ पे प्रोफाइल से बूस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखो 409,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 371,000 है, 92% है जो कि रियल में ह्यूज इंप्रूवमेंट दिखाता है इसके कंपैरिजन में, जो कि ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन बनाती है। बाकी यहाँ पे हम बात करें गीकबेंच का तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा है, बेहतरीन सा रिजल्ट है। अनटूटू स्कोर यहाँ पे 13.2 आ गया जबकि पहले 13.7 के आसपास रहता था, फिर भी मैं कहूँगा कि अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। जहाँ पे टेम्परेचर भी कंट्रोल है 47 गया था लेकिन फिर अंडर कंट्रोल आ गया 45, जो कि यहाँ पे फ़ोन नॉर्मली 50 तक टच कर जाता है बट यहाँ पे अंडर कंट्रोल है, ये चीज़ सही लगी मुझे। बाकी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है ये गेमिंग प्रोफाइल ऑन करके है जो कि मैंने आपको दिखाया था, और ये है हमारा परफॉर्मेंस मोड ऑन करके यहाँ पे साइन लगा हुआ है, तो दोनों के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं आया, यानी गेमिंग मोड ऑन करो या परफॉर्मेंस मोड ऑन करो सिमिलर रिजल्ट यहाँ पे अनटूटू के अंदर देखने को मिल जाता है।
जो कि कोई चेंज यहाँ पे शो नहीं करता। यहाँ पे बात करें तो हमारा है जो वॉइस मैंने फिक्स किया, उसके बाद वर्किंग है सारी चीज़ें और डिवाइस भी सर्टिफाइड हो गया। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो मैंने आपको दिखाई दिया, 15 में है जो 39 जाता है और यहाँ पे 16 में 41 चला जाता है। तो ये टोटल चीज़ें आपको मिलती है। और रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो लास्ट में मैं एक वीडियो दे दूंगा जिससे आप देख के समझ जाओगे कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है और इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। और हाँ, इस बार मैं कहूँगा कि रिकमेंडेड है, बस वही जो फॉन्ट वाला इशू मुझे देखने को मिला वो आप चेक कर लेना और बताना। इसके अलावा मुझे कोई और दिक्कत यहाँ पे नहीं लगी और सब कुछ यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे डालना चाहते हो या फिर नहीं डालना चाहते। मिलते हैं स्टूडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आपको इंस्टॉलेशन गाइड फॉलो करना है, पहले आपको अपने फोन को ऑफ कर लेना है, पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करके आपको फास्ट फूड मोड ऑन कर लेना है। अब वर्किंग डेटा केबल का यूज करते हुए पीसी से कनेक्ट, इसी पे आप इस टूल का यूज कर सकते हो जो कि वन टाइम में रिकवरी इंस्टॉल करके दे देता है। मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है बस सिंगल क्लिक पे और अब हमारा फोन है जो रिकवरी में ऑन हो जाएगा। रिकवरी जैसे ही ऑन होता है सबसे पहले आपको यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर लेना है। वॉल्यूम अप डाउन का यूज करते हुए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, पावर बटन से आपका ओके का काम करेगा। फैक्ट्री रीसेट हो जाने के बाद आपको बैक आना है, अप्लाई अपडेट पे जाना है और यहाँ पे ADB साइड लोड कर देना है। जहाँ पे भी आपने रोम रख रखा है उसे मूव कर लेना ADB प्लेटफॉर्म टूल में और CMD कमांड ओपन कर लेना, जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे ADB साइड लोड। ADB साइड लोड डालने के बाद आपको यहाँ पे रोम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, इंटर पे क्लिक करेंगे। विद इन 5 मिनट आपका रोम सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगा और यहाँ पे रिकवरी पे एक ऑप्शन आएगा यस और नो का, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे फर्स्ट टाइम आपको यस कर देना है और पावर बटन प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आपका रिकवरी द्वारा रीओपन होगा और अगर आप कोई ऐसा रोम फ्लैश कर रहे हो जिसमें बाय डिफॉल्ट रिकवरी दिया गया है तो आपका रिकवरी रिप्लेस हो सकता है। दोबारा आपको सेम अप्लाई अपडेट पे जाना है, इंस्टॉल के ऊपर ADB साइड लोड कर देना है और फिर से आपको सेम रोम को फ्लैश करना है। यहाँ पे मैंने ADB साइड लोड डाला और सेम रोम को मैं फिर से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और इंटर पे क्लिक। अब सेकेंड टाइम रोम जैसे ही कंप्लीट फ्लैश होगा आपको फिर से जो यस और नो का साइन देखने को मिलेगा, तो इस टाइम आपको जो नो पे क्लिक कर देना है, अगर आता है तो, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे फाइनल आपको जो फैक्ट्री रीसेट करना है वंस अगेन 2 टाइम फ्लैशिंग के बाद और फॉर्मेट डेटा करते ही आपको फिर से सिस्टम रिबूट कर देना है। अब आपने जो भी रोम को फ्लैश किया है इस मेथड से उसका बूट एनिमेशन आ जाएगा और आपका OS बूट कर जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है पूरा प्रोसेस कि कैसे हम ADB साइलोड से रोम को फ्लैश कर सकते हैं इजीली और वन टाइम में बूट करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना और सेम गाइड फॉलो करते हुए आप अपने रोम को फ्लैश कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।